देखिए, आज हम इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग डे यहाँ पे मना रहे हैं 11 दिसंबर को, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें एक ट्रैक के साथ एक ग्रीन स्ट्राइड भी मुनक़द की, जिससे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम कितना डिस्टर्ब हुआ है। ये मोटिव यही है कि एक मैसेज लोगों की तरफ जाए कि हमारा जो आबोहवा है, हमारा जो माहौल है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं भाई छोटी छोटी चीज़ों से। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं कि SMC ने प्रोविजंस रखे हैं जहाँ पे कूड़ा करकट हमारे घर से निकलता है या बाकी जगह से निकलता है, उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें ताकि हमारा जो माहौल है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। हमने देखा कि यहाँ पे कितने पॉलीथीन्स और एस्पेक्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स होते हैं, ये एक तरीके का पॉइजन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, और ये 100 साल के बाद भी इसी कंडीशन में वहाँ रहेगा। और अगर इसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें तो हम डायरेक्टली तो अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, इनडायरेक्टली हम अपनी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और माउंटेन जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, आप देखें कि कितने कटाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कितना चेंज हो गया है। जब अगर 20 साल पहले की बात करें, हमारा टेम्परेचर ऐसा हुआ करता था जब 30 डिग्री से आगे हमारा टेम्परेचर नहीं, और कई AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम नेचुरल हवा में यहाँ पे सही रहते थे। लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और बाकी जो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से हमारा बेसिक जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें कितनी जो गर्मी का मौसम आता है तो हमारा कितना यहाँ पे गर्मी बढ़ गई, और हमें वो प्रोविजन अब यूज़ करने पड़ते हैं जो हमारे नेचुरली पहले यहाँ पे होते थे। مارکو پولو چھ آسان مجھ مجھ ڈاؤن ہل خطرناک ہماری طرف دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آج کے بارے